हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डब्ल्यू बी सॉल्यूशन बाय गिरी सिस्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोबार चैप्टर नंबर 4, मैटर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था और हम सब ने पढ़ा भी था, सॉरी, कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। और अब आइसोबार और आइसोटोन हमारा बाकी था, तो इसको कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी को कि थैंक यू, आप सब हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं। सो हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आपको जितने भी रिलेटेड इस चैप्टर से और जो प्रीवियस जो वीडियो बन चुके हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सम्स, न्यूमेरिकल्स और बाकी जो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हम उसका भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, हमें देखते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो स्टार्ट करते हैं आइसोबार से कि आइसोबार्स किसको कहते हैं। सो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। चूंकि हमने क्या पढ़ा था कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स विच आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दैट केस द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट एटोमिक नंबर बट द मे हैव द सेम मास नंबर, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटोमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। ओके, और चूंकि हम लोग न्यूक्लियॉन्स प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियंस। सो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, उनके न्यूक्लियाई में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं, बट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इन इन देम इज द सेम। न्यूक्लियंस की संख्या सेम हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट है आर्गन। आर्गन को हम लोग जानते हैं, आर्गन यहाँ 18 प्रोटॉन और प्लस यहाँ पर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 40 है। तो यहाँ प्रोटॉन्स को हम लोग लिख सकते हैं, प्रोटॉन्स को, और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स को लिख सकते हैं। यहाँ प्रोटॉन्स कितना हुआ, 18 हुआ, और 14 माइनस 18 इज इक्वल टू हुआ 22, न्यूट्रॉन्स की संख्या हुई। और मास नंबर हुआ 18 प्लस 22 इज इक्वल टू 40, ये मास नंबर हुआ। उसी तरह से एक और एलिमेंट लेते हैं, देखिए यहां पर इसका क्या है। अब यहां पर हम ले रहे हैं 20 कैल्शियम, कैल्शियम और 40। देखिए यहां पर मास नंबर सेम है पर डिफरेंट एलिमेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हुई, 20, और यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई, यहाँ 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर मास नंबर कितना हुआ हमारा, यहाँ पर 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। सो यहाँ मास नंबर सेम हो जा रहा है, यही आइसोबार है। और जैसे कि हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हेयर द रेडियो एक्टिव सोडियम, सोडियम जो होता है, जैसे कि 11 Na सोडियम और 24, और यहाँ पर 12 मैग्नीशियम और 24। तो यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हुई, 12। यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हुई, 11। और यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियॉन्स टोटल कितने हुए, ये मास नंबर हुआ हमारा टोटल 24 24। तो इसी को ही आइसोबार कहा जाता है। दिस इज बिकॉज यहाँ पर ऐसे हुआ, दिस इज बिकॉज रेडियो एक्टिव सोडियम एंड मैग्नीशियम आर डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। डिफरेंट एटॉमिक नंबर हुआ 11 और ये 12, बट द सेम मास नंबर है।
सो आइसोबार हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, आइसोबार इसी को ही कहते हैं। सो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सो देखिए और देख के समझिए कितना समझ में आता है, और नहीं हो तो हमें लिख सकते हैं आप। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोन। आइसोटोन आइसोटोन किसको कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं वे परमाणु जिनके केंद्रक में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, समान होती है, परंतु परमाणु संख्या डिफरेंट होती है, उसको आइसोटोन कहते हैं। मीन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अंडरस्टैंड? आइसोटोन इज सेम नंबर ऑफ सॉरी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक एटॉमिक मास, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग हो सकती है डिफरेंट एलिमेंट में, बट न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर C6H14 और 7NH15, 8OH16, हेयर कार्बन इज 6, तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हुई? प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6। यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई? न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना हुआ? 14 माइनस 6, 8। यहां पर 8 न्यूट्रॉन्स हुआ उसी तरह से। सो यहाँ प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हुआ? यहाँ प्रोटॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ 8 और न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हुआ? 8। तो यहाँ सेम न्यूट्रॉनिक हुआ, यानी आइसोटोन हुआ सेम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन में भी है कि यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या 7 होगी और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, यहाँ तीनों एटम में क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो रही है, तो इसी को ही हम लोग आइसोटोन कहते हैं। ओके अंडरस्टैंड कि आइसोटोन, व्हाट इज आइसोटोन? हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। सो वी विल नाउ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोल कॉन्सेप्ट वी शुड फर्स्ट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ टर्म्स ग्राम एटॉमिक मास एंड द ग्राम मॉलिकुलर मास। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट फर्स्ट टर्म वेयर नोट दैट कि ग्राम ग्राम का यूनिट क्या होता है, ग्राम को किसे डिनोट सिंबल से किया जाता है, जी से ग्राम, ग्राम को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, या फिर तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ? ग्राम एटॉमिक मास। यहां पर ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस, दस ऑफ दैट सब्सटेंस। मीन्स हुआ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मास ग्राम में हम लोग सांख्यिकी या फिर लिख सकते हैं, जो इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के सांख्यिकी में जिसका मास होता है उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास उस सब्सटेंस का कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। अंडरस्टैंड? दूसरे शब्दों में इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में, तो उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को यहाँ पर टू राइट द ग्राम एटॉमिक मास हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक सब्सटेंस का, कि ग्राम एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यू लिख सकते हैं यहाँ, और
और बाय द वर्ड ग्राम को हम लोग जी सिंबल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ओ कितना हुआ 16 U यहाँ लिख सकते हैं। जानते हैं हम लोग इसका मतलब, जब ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओ 16 ग्राम 16 ग्राम्स या ग्राम, यही तो कह रहा है हमें कि ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं, कि द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। अब द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। किसी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है क्या, कि 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²। एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस, यहां पर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज 6.022 × 10⁻²। एटम्स तो जैसे कि हम लोग लेते हैं द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U, सो द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। एंड द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का लेते हैं तो 14 U, एंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या हुआ 14 ग्राम। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का उसी तरह से हम लोग 16 ग्राम लिख सकते हैं, सोडियम का उसी तरह से हम लोग 23 U लिख सकते हैं, और ग्राम में लिख सकते हैं हम लोग 23 ग्राम्स। अंडरस्टैंड कि ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग मोल के अंदर जाकर उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मोलर मास किसको कहते हैं? तो यहाँ तो हम सिर्फ एक एटम के बारे में अभी डिस्कशन किए कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का हुआ, हाइड्रोजन का 1 ग्राम हुआ, उसी तरह से सोडियम का 23 ग्राम हुआ, और जितने भी आप एटम देखेंगे वो सबको ग्राम में लिख सकते हैं। तो मोलर मास किसको बोलते हैं, कि द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास क्या हुआ उस सब्सटेंस का, एक मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मीन्स द यूनिट ऑफ मोलर मास हम लोग लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। ओके, द मोलर मास कैन बी एन एलिमेंट भी हो सकता है और ए मॉलिकुलर कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, ग्राम पर द अमाउंट ऑफ ए अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, या फिर कह सकते हैं कि द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स ग्राम मॉलिकुलर मास। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर यू को रिप्लेस करके वहां पर हम लोग ग्राम में लिख सकते हैं। जैसे कि मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हुआ 32 U, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 32 ग्राम्स। उसी तरीके से इसमें कितनी मॉलिक्यूल्स की संख्या हुई, यही 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से हाइड्रोजन का कितना हुआ 2 U, उसको ग्राम में हम लोग लिख सकते हैं तो 2 ग्राम। उसी तरह से नाइट्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं 20, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का लिख सकते हैं 28 U, और ग्राम में जब लिखने जाएंगे तो लिखेंगे 28 ग्राम्स। सो
कि द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. मीन्स ये द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस. सो अंडरस्टैंड कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या है और मोलर मास क्या है. सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारा कॉन्सेप्ट मोल की तरफ. तो व्हाट इज मोल, मोल क्या है, मोल मोल की धारणा कहाँ से आई. तो अत्यंत कम मात्रा वाले पदार्थों में भी अणुओं, परमाणु और आयनों की संख्या तो होती है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में होती है. यदि बहुत ही कम मात्रा लेंगे तभी भी उसमें हम लाइक फॉर एग्जांपल है कि आप नमक का एक छोटा से छोटा टुकड़ा भी लें, बहुत छोटा टुकड़ा भी लें, जो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो क्या वो अपना टेस्ट छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है. उसी तरीके से उसमें भी अणु और परमाणु और उसके आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है. संख्या में अधिक होने के कारण क्या होती है कि उनकी गणना जो है वो बहुत ही असुविधा हो जाती है. तो जिस प्रकार हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, डजन में लिखते हैं, रूस में लिखते हैं, ये सब लिखते हैं तो उनको काउंटिंग करने के लिए. सो आप ये भी देखे होंगे कि बैंक में जैसे जाएंगे या बहुत सारे क्वाइंस होंगे तो क्वाइंस को बहुत डिफिकल्ट होता है काउंट करना. तो क्या करते हैं वो लोग कि उनको वे करते हैं, उनको वजन कर देते हैं काउंट को, सॉरी क्वाइंस को वो, इसलिए. और उसके बाद उसके नंबर ऑफ क्वाइंस निकाल लिए जाते हैं. उसी तरह से क्या है कि परमाणुओं में उनके उस मैटर में उसके अणुओं में अणु और परमाणु की संख्या कितनी है, उसकी आयंस की संख्या कितनी है, इसको भी हम लोग काउंटिंग के रूप में या किसी एक नंबर के रूप में इकाई मान लिया गया, उसी को ही मोल कहा जाता है. तो मोल को हम लोग लिख सकते हैं कि द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस दैट कॉन्टेंट्स, दैट जिसमें होता है द सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहिए, एटम्स कहिए, या फिर आयंस कहिए, ओके, या फिर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एटीसी मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, आयंस भी कहिए या फिर एटम्स भी कहिए. तो मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास. सो मोल क्या है कि मोल, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कॉन्टेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी किसी में भी लिख सकते हैं. तो मोल क्या, मोल को हम लोग लिख सकते हैं कि मोल इज अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इसको ग्राम एटॉमिक मास जैसे है, कार्बन का 12 ग्राम है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको 12 ग्राम कार्बन को वे किया और डील किया किसके साथ, डील किया 6.022 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है. वे किया कितना, 12 ग्राम से, और डील किया किसके साथ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन के साथ. तो अदर वर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वो एक मोल ऑफ कार्बन के साथ काम कर रहे हैं, लिख सकते हैं. तो द कार्बन मॉलिक्यूल्स, द ग्राम मॉलिक्यूल मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मान लीजिए कि 18 ग्राम है. और सो व्हेन साइंटिस्ट यूजिंग, तो साइंटिस्ट ने क्या यूज किया, मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने वाटर का यूज कर रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं कि वो 18 ग्राम ऑफ वाटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन उस 18 ग्राम में मोल की संख्या कितनी हुई, मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी हुई, इतना ही. अंडरस्टैंड, इसी को ही मोल कहा जाता है. तो
अदर वर्ड्स में साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि वन मोल ऑफ वाटर यानी कि 6.023 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इतना। तो हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और एटम्स मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस के बारे में अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हमें और डिटेल्स में जाएंगे और बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स और सम्स के साथ इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। सो कीप वॉचिंग और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपको बहुत ही सब कुछ डिस्कशन के साथ और बहुत अच्छे डिटेल्स के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल वर्ड्स के साथ भी आपको समझाऊँ एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा मैनेज करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए और हमें यूं ही देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।